प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 16 अप्रैल को चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। इस आगमन की सफलता के लिए कार्यक्रम प्रभारी सह पंचायती राज संयोजक ओम प्रकाश भुवन एवं जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश चिंटू सिंह के 43 मंडल में पीएम मोदी की सभा में शामिल होने के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गया जिले के वजीरगंज विधानसभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव के निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। साथ ही साथ एनडीए घटक दलों के नेताओं पर भी तेजस्वी जमकर बरसे और कहा कि बीजेपी के लोग रोजगार की बात नहीं करते। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने चिलचिलाती धूप में नौजवानों को खड़ा देख सभी लोगों के जज्बे को सलाम किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि कुमार सत्यजीत को लालू जी ने लालटेन थमाया है, इसलिए आप लोग इनको जीत हासिल करवाइए। गया के इंदर आश्रम में लोकसभा सीट से महागठबंधन उम्मीदवार कुमार सत्यजीत की शानदार जीत सुनिश्चित करने के लिए महागठबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस नेता शशि शेखर ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी हार देख हताशा की शिकार हो गए, अपने कार्यकाल के 10 साल की उपलब्धि गिनाने के बदले मछली और मटन की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता मोदी सरकार की मनमानियों का जवाब देने को तैयार है। शशि शेखर ने कहा कि मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि देश के लोग महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से तंग आ चुके हैं, साथ ही साथ मीडिया अपना फर्ज भूल चुकी है। संसद पर लगातार कांग्रेस चला रहा है, मोदी मीडिया के माध्यम से हमारा कोई भी रविवार सुबह गया की वार्ड नंबर 1 की छत्ता मस्जिद के पास शॉर्ट सर्किट के कारण इलेक्ट्रिक पोल में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस आगजनी में एक जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गया जिले में सोशल मीडिया पर एक देसी कट्टा के साथ 3 युवक का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 8 घंटे के अंदर देसी कट्टे के साथ 5 युवक को गुरुवा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गया कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सतीश सिंह चंद के निर्देश पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर प्रशासनिक भवन के प्रांगण में स्थित उनकी आदमकद प्रतिमा पर शिक्षकों, कर्मचारी और विद्यार्थियों की ओर से माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर ऑब्जर्वर के द्वारा चुनाव के पूर्व तैयारी समीक्षा हेतु जिला पदाधिकारी गया एवं SSP तथा अन्य पुलिस बल के साथ गया जिले के रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गया कॉलेज स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया तथा सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना कर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक कार्रवाई सूचित करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बोधगया द्वारा बोचारी गांव में बनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती, इस मौके पर जिला संयोजक अमन शेखर ने कहा कि भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ सामाजिक न्याय और सामाजिक असमानता के खिलाफ ही लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को बराबरी का अधिकार, जनसंख्या नियंत्रण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मौलिक दायित्व की भी बात की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गया कॉलेज के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं कॉलेज अध्यक्ष हर्ष कुमार ने कहा कि जिस प्रकार बाबा साहब ने समाज की परिकल्पना की थी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसी समाज की रचना में निरंतर काम कर रही है।